ओके okay जी अभी हम आ जाते हैं टुवर्ड्स दी लर्निंग चेक्स ऑफ दिस लेसन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान सो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के लर्निंग चेक हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन हैं वाई इज़ कायद अजम कॉल्ड फादर ऑफ़ आर नेशन वाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नीड अ सेपरेट होम लैंड What advice did Quaid-e-Azam give to young Pakistanis? How can we repay Quaid-e-Azam for giving us our beautiful country, Pakistan? In what way did Mahatma Fatima Jinnah help in Pakistan movement? And write a short note on the role played by minorities of Pakistan in creation of Pakistan. Write a note on the early life of Allama Al Iqbal and describe in your own words Allama Iqbal's contribution to the establishment of Pakistan. Write. ओके okay, हम अभी बारी बारी तमाम क्वेश्चंस को लेंगे मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ब्रीफ़ से इसके आंसर्स बताऊं मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको मिस नहीं कर सकते हम सो वील टॉक बड़ी सिंपल वेज में वील टॉक एंड वील गिव अ वेरी क्रिस्प एंड वेरी एक्ूरेट आंसर्स ट्राई आई एम ट्राइंग कि जी आपको ये कम से कम अल्फाज में आप बता सकें ताकि आप परेशान ना हो जाए लम्बे लम्बे क्वेश्चन के जवाब देख के मगर ये है कि आपको यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए आगे बढ़ना तो ये वैसे भी अदरवाइज़ भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है Ke, for example, why is Khayyism called the father of our nation? It's very simple. Why is he called, our, called the father of our nation? Answer is because his struggle, his struggle led to the creation of Pakistan. Because his struggle led to the creation of Pakistan. Now, next, time, why did the Muslims of India need a separate homeland? Why did the Muslims of India need a separate homeland? दे वांड टू हैव फ्रीडम फॉर प्रैक्टिस फ्रीडम टू प्रैक्टिस देर रिलीजन एंड ट्रीटड फेयरली ये मैंने बड़ा लम्बा चौड़ा बन सकता था इसका कि जी मुसलि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वांटिड टू भी ट्रीटड फेयरली एंड दे वॉन्टिड टू फ्री मैंने मैंने इसको बड़ा छोटा सा कर दिया सो देट आपके लिए ये आसान हो जाए याद करना और समझना के दे वॉन्टिड अ सेपरेट होम लैंड दे बिकॉज दे वॉन्टिड टू हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड ट्रीट फेयरली ठीक हो गए जी समझ आ रहा है ना हाँ ये देखें ये इसको हम तरीका कहते हैं कि बड़े छोट कम अल्फाज में पूरी बात बयान करना ठीक है नेक्स्ट इज वट एडवाइस डिड कायदे अज़म गिव टू यंग पाकिस्तानीज़ वट एडवाइस डिड कायदेजम गिव टू यंग पाकिस्तानीज टू गेट गुड एजुकेशन एंड प्रैक्टिस यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन देखें यद अजम का जो पूरी यंगस्टर्स के लिए या पाकिस्तानियों के लिए या सब लोगों के लिए जो सबसे सब बड़ी एडवाइस थी ना वो थी यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन इसमें सारी बात जो है ना उनकी कवर हो जाती है ठीक है तो मैं कह रहा था कि ये उनकी जो ये बात है ना यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन ये इनकी जो क़ायद अजम की तीन जो हमें इंस्ट्रक्शन है ना दैट समज़ेज एवरी हमें यंगस्टर्स को उन्होंने कहा है टू गेट गुड एजुकेशन एंड प्रैक्टिस यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन ये एक बड़ा क्रिस्प सा छोटा सा जवाब है और अगर आप ये लिखें तो आई थिंक जी आप कन्वे कर देते हैं पूरे मैनी इस बात के कि जी वट एडवाज काजम गिव टू यंग पाकिस्तानीज़ उन्होंने कहा कि जी गुड एजुकेशन हासिल करें सो देट यू कैन सर्व यूर कंट्री एंड यू कैन गो टू गुड प्रोफेशन मैंने उसको सिंपली से कर दिया कि टू गेट गुड एजुकेशन एंड प्रैक्टिस यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन ठीक हो गया जी अभी नेक्स्ट आता है कि हाओ कैन वी रीपे कायदे आजम फॉर गिविंग एस अवर ब्यूटिफुल कंट्री पाकिस्तान हम उनको कैद ने हमें इतना अच्छा पाकिस्तान पहले सवाल को पढ़ना ज़रूरी होता है उसकी मैं नहीं समझने की हाउ कैन वी री पे क़ायद अजम फॉर गिविंग अस अवर ब्यूटीफुल कंट्री पाकिस्तान जब को हमारे साथ को फेवर करता है तो हम उसको कैसे उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं क़ायद का शुक्रिया ऐसे अदा कर सकते हैं कि वो उन्होंने जो कहा था हमें वो करें क्या करें कि वी शुड रिमेन यूनाइटेड वी शुड कीप डिसिप्लिन एंड कीप आर फेथ ये वही चीज़ मैंने से वाली रिपीट की है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि वी शुड रिमेन यूनाइट हमें आपस में इतहाद होना चाहिए लड़ना नहीं चाहिए आपस में हम लोगों को हमें मुल्क में आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हमें डिसप्लिन में रहना चाहिए ताकि लोगों को लोग भी तंग ना हो और हमारी भी ज़िंदगी आसान हो और हमें अपने फेथ पर भरोसा रखना चाहिए अपना जो ईमान है उसको मजबूत रखना चाहिए ठीक हो गया जी इन वट वेज़ डिड महत्मा फातिमा मोहतरमा फातिमा जिना हेल्प इन दी पाकिस्तान मोमेंट यानी मोतरमा फातिमा जिना ने पाकिस्तान मोमेंट में कैसे हेल्प किया था ठीक है आ, वैसे तो बड़ी मुश्किल मुश्किल उन, उन्होंने वो जो आपको आपके लिए याद करनी थोड़ी सी भी मुश्किल होंगी कि जो उन्होंने जो जो मुख्तफ यूनियंस में हिस्सा लेती थी तो इसलिए मैंने सिंपल इसको करने के लिए इस तरह लिखा है कि बाई बंग विम ऑल द टाइम एन ऑर्गेनाइज पोलिटिकल स्ट्रगल उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हिस्सा लेती थी और पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेती थी और मुख्तु चीज़ें हैं जैसे बॉम्बे प्रोवेशनल मुस्लिम लीग और फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन तो मैंने इसको सिंपल कर दिया बाय विद हिम ऑल द टाइम एंड ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रगल ठीक हो गया जी इसमें फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा मैंने गलती से फुल स्टॉप इधर भी लगाया इधर भी लगाया इधर भी लगाया लगा। यहाँ फुल स्टॉप आपने लगाना ज़रूरी है वरना टीचर रेड वाल से टुक करके कर लिखा देती होती हैं ठीक है ओके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल प्लेड बाय द माइनार्टीज ऑफ पाकिस्तान इन द क्रिएशन ऑफ द कंट्री हाँ यही है हाँ कि ये है कि जी माइनॉरिटीज़ जो थी पाकिस्तान में अकलीतें थीं उन्होंने क्या क्या काम किया पाकिस्तान की मूवमेंट में और पाकिस्तान के बनने के बाद भी क्या किया और पाकिस्तान मूवमेंट में क्या किया ठीक है जी वो हम लिखते हैं कि जी उन्होंने क्या किया कि दे बिकॉज पाकिस्तान जो है वो बता रहा था कि माइनॉरिटीज़ की आवाज़ होनी चाहिए तो माइनॉरिटीज़ ने क्या किया, किया कि उनके जो एक बहुत बड़े लीडर थे ना लीडर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन उन्होंने कहा कि जी तमाम क्रिश्चियंस को कहें कि जी सब कॉन्टिनेंट के जो है ना वो मुसलमानों की तरफ उनके उनको माना जाए कि जी वो सॉरी उनको पाकिस्तान में माना जाए हम पाकिस्तान चाहते हैं तमाम क्रिश्चियंस और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान मूवमेंट में तो नहीं है मगर पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने फ़ौरन जो पाकिस्तान मूवमेंट भी मैं है, तो उसको समझता हूँ कि जी उन्होंने बनते ही पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की जो पारसीज़ वगैरह थे उन लोगों ने वो रिच थे तो उन लोगों ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की ठीक है तो अभी जो है ना ये मेरे ख़्याल से आंसर हो सकता है इसका ठीक है है जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी राइट नोट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ इलामा इकबाल इलामा इकबाल वॉज बॉर्न इन सियालकोट ही गॉट इज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट ही डिड इज एम ए फ्रॉम लाहौर ही गॉट डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम जर्मनी ही गॉट इज लॉ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड ही स्टार्टेड ला प्रैक्टिस इन लाहौर ये आपका इकबाल पे ऐसे भी लिखने आया ना तकरीबन तो आधा ऐसे ही, ही है हमने शॉर्ट सा नोट लिखा उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बाकी लाइफ के बारे में अर्ली स्टार्ट में ही कि यानी जब जब तक उन्होंने पढ़ा पढ़ा लिखा और उन्होंने काम स्टार्ट किया वहाँ तक के बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पर किलामा इकबाल बस बॉर्न इन सियालकोट

हम ये कहते हैं मैंने मेरे ख्याल में ही गेव द आइडिया ऑफ ए सेपरेट कंट्री फ्रॉम मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सबसे पहले तो बात ये है कि उन्होंने जी ये आइडिया मुसलमान लोगों जो इंडिया के थे ना उनको सबको ये आइडिया उन्होंने दिया कि जी हमें अलग मुल्क होना चाहिए सेपरेट कंट्री होना चाहिए थ्रू हिज पोइट्री ही मोटिवेटेड द यूथ अबाउट द गोल्डन पास्ट ऑफ मुस्लिम्स अपनी उन्होंने शायरी से ना जो तो अपने मुसलमानों के सुनहरी जो माजी था उसके बारे में तमाम यंगस्टर्स को उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया एंड अर्ज और उन्होंने उकसाया आ, उनको उकसाया कि वो बहादुर बने और अल्लाह ताला पे भरोसा करें और उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करने वाला बना दिया और उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की ख्वाहिश उन्होंने उसमें डाल दी के और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मोटिवेट किया के इन दिस वे ही मोटिवेटेड देम इन दिस वे ही मोटिवेटेड देम टू मेक पाकिस्तान ठीक है जी हमने ये लिख लिया ना कि जी उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है ठीक है ओके तो अभी मैं आपसे खुदाफिज करूँगा नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें आप लाइक नहीं करते तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता कि आ, इसका मतलब है आपको समझ नहीं आ रही आपको पसंद नहीं आ रहा ठीक है तो हमें अगर आप लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और दूसरे लोगों को भी ज़रूर बताइया कीजिए ताकि ये उनका फ़ायदा हो जाता है कि बेचारे कोई मुश्किल में होते हैं कुछ लोग जिनको समझ नहीं आ रही होती तो उनको ज़रूर बताया करें ये एक सदका जारिया है इससे बड़ा एडवांटेज होगा आपको भी उसका सवाव मिलेगा ठीक है जी हम भी जिस तरह कोशिश कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने की आप भी कोशिश कीजिए लोगों की हेल्प करने की अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर